मेरे नाल 9 मई नू भी बड़ा जुल्म होया सी, मेरी इज्जत नू हाथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे जोर कोप किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की अवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या शर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। बेटा, माएँ सबकी सांझी माएँ होती हैं। अल्लाह ताला ने हदीस में माँ को अवलीन दर्जा दिया, अवलीन दर्जा दिया। मैं आपके लिए अवलीन हूँ, मेरे नबी का हुक्म है। आज फिर घर का दरवाज़ा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने मेरी कमीज को ऐसे खींच के पाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। क्या है ये, क्या हो रहा है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान में खत लिखांगी कि तुसी मनू मद्देनजर रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए, मनु इंसाफ चाहिए, मनु कुछ नहीं चाहिए। मैं अदलिया को, पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जाकर अपील करूंगी। आपसे इंसाफ मांगती रही, मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मंसब पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसादत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, अखलाकी जुरत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है, और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बिशरम को, इस बुजदिल को वोट देंगे, या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। मेरे नाल 9 मई नू भी बड़ा जुल्म होया सी, मेरी इज्जत नू हाथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे जोर कोप किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की अवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या शर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। बेटा, माएँ सबकी सांझी माएँ होती हैं। अल्लाह ताला ने हदीस में माँ को अवलीन दर्जा दिया, अवलीन दर्जा दिया। मैं आपके लिए अवलीन हूँ, मेरे नबी का हुक्म है। आज फिर घर का दरवाज़ा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने मेरी कमीज को ऐसे खींच के पाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। क्या है ये, क्या हो रहा है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान में खत लिखांगी कि तुसी मनु मद्देनजर रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए, मनु इंसाफ चाहिए, मनु कुछ नहीं चाहिए। मैं अदलिया को, पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जाकर अपील करूंगी।